उम्मीदवार है, सरल स्वभाव के सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था, ये क्या आइटम है। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। रोक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर का। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व नेता साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने जिस प्रकार से बीजेपी की दलित महिला का प्रत्याशी का अपमान किया है, वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में एक ट्वीट करके जानकारी दी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ग्वालियर की डबरा रिजर्व सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रही दलित महिला के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम द्वारा की गई घोर महिला विरोधी टिप्पणी शर्मनाक है, अति निंदनीय है, इसे संज्ञान में लेकर कांग्रेस आलाकमान के तौर पर माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता था बसपा सुप्रीमो मायावती ने दूसरे ट्वीट में कहा, साथ ही कांग्रेस पार्टी को इस पर साफ सबक सिखाने की आगे महिला का अपमान रोकने आदि के लिए आपको दलित समाज के लोगों से अपील है कि होने वाले 28 सीटों पर उपचुनाव में आप केवल बीएसपी को एक तरफा वोट देकर इसे सबक सिखाने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम कमलनाथ ने दलित समाज की इमरती देवी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, साथ ही आपको बता दें उन्होंने अभद्र टिप्पणी इमरती देवी पर की थी। बीजेपी प्रत्याशी डबरा सीट से इमरती देवी के समर्थन में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कांग्रेस पार्टी पर किया हमला, साथ ही कहा इस घोर महिला विरोधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, यही बीएसपी की मांग है। बीएसपी को एक तरफा मध्य प्रदेश में वोट देकर सरकार बनाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपील की। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं एक कदम भीम मिशन की, और यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।